नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी मॉडल पेपर जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्यूशन बताएंगे। और देखिए मित्रों, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पांचवा का ख नंबर हम लोग सीखेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको क नंबर बता चुका है। ख नंबर में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको लेखक साहित्यिक परिचय के बारे में बताया। इस वीडियो में हमने कवि साहित्यिक परिचय वीडियो के बारे में बताएंगे। कृति पर इनके प्रकाश डालना है, जिस पर हम लोग सीखेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मित्रों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, ये आपके कक्षा 12 सामान्य हिंदी ओरिजिनल मॉडल पेपर के ये सोल्यूशन है। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको कब बताया है, जिसमें वहां पर हमने आपको बताया है वासुदेव शरण अग्रवाल। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कवि साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त के बारे में। और ये मित्रों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इस मॉडल पेपर सोल्यूशन से आप यह सीख पाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज लिख के सबसे अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करना है। तो मित्रों, अगर बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कवि साहित्यिक परिचय, एक तो लेखक साहित्यिक परिचय आता है, दूसरा कवि साहित्यिक परिचय आता है। कवि साहित्यिक परिचय के बारे में अगर बात करें मित्रों, यहाँ पर हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने क्या क्या बातें बताई, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, इनका अगर जीवन परिचय देखा जाए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 ईस्वी सन 1886 ईस्वी में चिरंगांव जिला के झांसी में हुआ था। मित्रों देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त थे, इनका जो जन्म हुआ कहाँ पर हुआ, संवत, संवत मतलब ये जो मित्रों कैलेंडर होता है, इनकी जो तिथियां होती हैं, 1943 ईस्वी सन 1886 ईस्वी में चिरंगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता था। क्या था मित्रों? सेठ रामचरण गुप्ता था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनके मित्रों देखिए, इनके पिता का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके इन पर पड़ा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मित्रों बहुत अधिक प्रेरणा मिली थी। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किए। अब देखिए, गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बड़े हसमुख मित्रों, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ। भारतीय संस्कृति में प्रेरणाप्रद इनके काव्य में चित्रण हुआ। इन्होंने अपने कविताओं द्वारा राष्ट्र को जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से सहयोग आंदोलन में भी ये भाग लेते रहे। मित्रों देखिए, ये जागृति के उत्पन्न तो थे ही, साथ ही सक्रिय रूप से सहयोग आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो मित्रों, आप देख पाए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की शिक्षाएं कहाँ पर प्राप्त हुई, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा किस गुरु का प्रभाव रहा। ऐसे मित्रों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आचार्य महावीर द्विवेदी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, इनसे भी बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेरणा मिली थी। और ख़ास बात यह है कि इनके पिता का इनके ऊपर बहुत बड़ा योगदान रहा। आप कह सकते हैं कि जैसे पिता का संस्कार होता है, वैसे बेटे का भी संस्कार होता है, तो पिता का प्रभाव इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने एक राष्ट्रीय कविताओं के लिए इन्होंने देश को जागृत किया ही, और ज़्यादातर ये सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अगर मित्रों इनके और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे रचनाएं क्या हैं, साकेत क्या हैं, भारत भाषा है, ये सब क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर अच्छा खासा नंबर भी अर्जित कर सकते हैं। अगर इनकी रचनाएं यदि देखा जाए, गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं, एक है अनुदित, दूसरा है मौलिक।
एक है अनुदित, दूसरा है मौलिक। साकेत यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरित मानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया है। अगर मित्रों इनके यशोधरा के बारे में बात करें, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया है। मित्रों इन्होंने देखिए बुद्ध के बारे में भी काफ़ी जीवनियाँ लिखी है, बुद्ध के बारे में भी ये काफ़ी बताते हैं। द्वापर जय भारत विष्णु प्रिया ने देखिए अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बात बताई, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों का पुनर्वालोकन कर कवि ने अपने पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट की है। साहित्य में स्थान, अगर मित्रों साहित्य में स्थान की बात करें, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे। खड़ी बोली को काव्य के साचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। तो मित्रों आप देख पाए यहाँ पर जो हमने आपको बताया मैथिली शरण गुप्त जो कि बहुत अच्छे कवि साहित्यिक रचनाकार रहे, तो इनके ऊपर आप पूरा लिख कर आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर अर्जित कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।